साल में उन्होंने कई यहाँ कार्यक्रम किए, छुट्टी घोषित की, सारा का कुछ किया, क्यों कर रहे? बिहार की जो जो धरोहर है उस धरोहर को नीतीश कुमार जी इतिहास का पन्ना बना रहे हैं और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसको याद करेगी। वो इस इतिहास के सभी धरोहरों को, उनके संस्मरण को वो पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसको रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो किया है, अभी चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, न्याय के साथ विकास का जो उन्होंने नारा दिया, न्याय के साथ विकास का नारा का क्या अर्थ? न्याय के साथ विकास का नारा का अर्थ यही था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसके प्रति विशेष प्रयास करके उसको भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए और जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय किए, यही काम सम्राट अशोक जी ने किया। आज नीतीश कुमार जी नए बिहार का निर्माण कर रहे हैं और नए बिहार के निर्माण कर में उन्होंने सामाजिक न्याय को, सामाजिक सद्भाव को और सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए न्याय के साथ विकास के रास्ते पर उन्होंने चलने का काम किया। और एक बार कई बार बहुत ठीक बात बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोगों ने मांग किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ देश के प्रधानमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह कर चुके हैं। बिहार विधानमंडल ने दो दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना समाज समय की मांग है। इसके पहले जातीय जनगणना कब हुआ था? इसके पहले जातीय जनगणना 1931 में हुआ था और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ। अगर सरकार को नीति बनानी हो, सरकार को अगर कार्यक्रम बनाना हो, सरकार को अगर न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलना है तो जानना तो पड़ेगा ना कि किस समाज के कितने लोग हैं और इससे किसी समाज को, समाज के हर तबके को लाभ है, किसी को घाटा नहीं है। तो इसलिए जातीय जनगणना आज समय की मांग है और उस मांग पर हमारी पार्टी अडिग है और हम लोग उस बात को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। पहले हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चुप रहिएगा खुशरूपुर नरेश। तो इसलिए हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले केंद्र सरकार ये निर्णय ले कि जातीय जनगणना होगी नहीं होगी, फिर हम लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे कि कैसे करना है। लेकिन हमारी जो मांग है जातीय जनगणना की, जो मांग बिहार विधान मंडल ने सर्वसम्मति से दो दो बार पास किया, जो मांग सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर उन्होंने मांग रखी है, उस मांग पर हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज भी कायम है और हम उसको मानते हैं। हम उसको मानते हैं कि समाज के हित में है, सामाजिक न्याय के हित में है, राज्य के हित में है कि जातीय जनगणना हो और 1931 के बाद एक बार 2022 में यह पता लगे कि समाज में किस समाज की क्या आबादी है, किस जात की क्या आबादी है। तो इसलिए जातीय जनगणना का जो हमारा मांग है उस पर हम आज कायम हैं। अब बाकी तो 2005 का बिहार आप लोगों ने देखा, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को कोई बताने की जरूरत तो है। क्या था 2005 में बिहार में? और एक तरह से बिहार के नए निर्माण, बिहार का नया निर्माण उन्होंने किया है, बिहार के हर तबके के साथ न्याय करने का काम किया है। तो ये सब काम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो किसके रास्ते पर चल रहे हैं? सम्राट अशोक के रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट अशोक का यही सपना था
और इसी सपने को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को अपने लक्ष्य पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, हम तो एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है, बिहार के जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। क्या किया उन्होंने बिहार में जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उन्होंने आरक्षण देने का काम किया 20% पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं को जो 35% आरक्षण उन्होंने सरकारी सेवाओं में दिया, 50% का आरक्षण उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दिया, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो उन्होंने जीविका समूह चलाने का काम किया, ये क्या है? ये उनकी ताकत है नीतीश कुमार जी। आज सभी पार्टी के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग अति पिछड़े वर्ग की ओर टकटकी लगा के देखते हैं और चुनाव के समय में अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की तरफ देखता है और जिधर नीतीश कुमार जी इशारा करते हैं वो अपना वोट जाके गिरा के अपने काम पर चला जाता है। बिहार की महिलाएं, बिहार की महिलाओं को जो सशक्त करने का काम उन्होंने किया, बिहार की महिलाएं आज किसको देखती है? बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी को देखती है। 50% का आरक्षण पंचायती राज में, 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, बिहार में पहला महिला पुलिस बटालियन आप लोग भी घूमते हुए। आज जिस शहर में चले जाइए, जिस थाना में चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में आपको महिलाएं पुलिस नजर आएंगे। ये किसका देन? ये किसका देन? नीतीश कुमार जी का देन। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, दलित वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो ये सारा काम जो कर रहे हैं, तो इसलिए ये ताकत है नीतीश कुमार जी की, ये ताकत है। और नीतीश कुमार जी की ताकत बिहार की जनता है, और जब तक बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को प्राप्त है, कोई बाएं दाएं नहीं कर सकता है। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं।